हेलो दोस्तों स्लीपिंग क्लासेस के डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी एस थ्री के बारे में और जी एस थ्री के अंदर फिशरीज़ का जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और इसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है वो फिशरीज सेक्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की अगर बात करें तो फिशरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकॉनमी का इनफैक्ट इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हुए हम इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ कैन फिशरी सेक्टर बी हारनेस टू प्ले क्रूशल पार्ट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी डिस्कस नाउ फिशरी सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी टू फिफ्टी वर्ड्स में अगर हमें डिस्कस करना है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यहाँ जो मैंने आपसे आंसर डिस्कस किया है थोड़ा सा इलेबरेट है बट हम इसको शॉर्ट टाइप में भी लिख सकते हैं मैं आपको समझाऊँगा कैसे इंट्रोडक्शन में डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को कवर करते हुए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें अगर आप डेटा इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स देते हो तो आपका एक तरह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है और इसके लिए आप अपने जी एस थ्री की जो नोटबुक होगी उसमें सभी सेक्टर चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो लाइफ स्टॉक हो चाहे वो फिशरीज़ हो उससे रिलेटेड डेटा तो ज़रूर कंपाइल करके रखें ताकि आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में उसे डाल सकें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड और साढ़े सात प्रतिशत ग्लोबल प्रोडक्शन और ये सारा फिशरीज से आ रहा है ग्लोबल प्रोडक्शन की साढ़े सात परसेंट इंडिया से आ रही है दूसरी बात वन पॉइंट टू फोर परसेंट ऑफ जी वी ए जो पूरे इंडिया का है वो फिशरी से आ रहा है और एग्रीकल्चर जी वी ए का लगभग आठ प्रतिशत जी वी ए से आ रहा है लेकिन इसीलिए हम कहेंगे कि दिस इज अ पोटेंशियल सनराइज सेक्टर ये चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हो दो लाइनें अगर लिखनी है दिस इज़ अ पोटेंशियल सनराइज सेक्टर लेकिन इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं चैलेंजेस दोस्तों ये हैं कि इंस्पाइट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट्स एंड इंक्रीज इन, इन, इन प्रोडक्शन इसमें हमें कुछ चैलेंजेस मिलते हैं पहली साइड पहली है प्रोडक्शन साइड चैलेंजेस प्रोडक्शन साइड चैलेंजेस में से सबसे पहला चैलेंज है कि नई टेक्नोलॉजीज और नई टेक्निक्स की अपटेक कम है स्लो है अडॉप्शन धीरे धीरे हो रही है चाहे वो न्यू हैचरी टेक्नोलॉजीज हो चाहे वो वाटर एफिशिएंट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस हो जैसे कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम इस सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में उसी पानी को जिस पानी में एक्वाकल्चर कंडक्ट किया था नए पानी से रिप्लेस करने की जगह उसको सर सर्कुलेट करके प्योरीफाई करके प्योरीफिकेशन की स्टेजेस से रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है जिससे पानी की भी बचत होती है पैसे की भी ओवरऑल बचत होती है और अल्टीमेटली हमारे पास एफिशेंसी बढ़ती है सस्टेनेबल मरीन प्रोडक्शन टेक्निक्स हो गई मेरी मैकेज्ड बोट्स विद लेटेस्ट जी पी सैटेलाइट हो गई इसको इंट्रोड्यूस तो किया जा रहा है पायलट प्रोग्राम्स तो रन हो रहे हैं लेकिन इसकी टेकअप up या अपटेक स्लो है और ये स्लो है इसके आगे वाले कारण हमें इसके साथ और जोड़ेंगे अच्छे से समझ आएंगे एक्सटेंशन सर्विसेज फिशरीज के अंदर अलग है जैसे एग्रीकल्चर के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है एंड अदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस बायर एग्रीकल्चर यूनिवर्टीज़ हैं शायद उस लेवल पे फिशरीज के लिए एक्सटेंशन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो सॉइल वाटर टेस्टिंग फैसिलिटीज कंसल्टे रियल टाइम मार्केट इंफॉमेशन उनके पास इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जिसको हम एक्सटेंशन सर्विसेज कहते हैं एग्रीकल्चर के बनस्पत मुकाबले ये यहाँ पर कम है क्वालिटी इनपुट्स एंड एक्सेस टू क्रेडिट नहीं मिल रहा है क्वालिटी इनपुट फिशरी के लिए जो आपको uh, यू नो यू रिक्वायर सर्टन काइंड ऑफ फी फिश फीड और भी बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पैसे की अवेलेबिलिटी इस सेक्टर में कम है और वो बहुत ही ज़्यादा uh, मतलब भी उसका बनता है क्यों क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर के अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा है वैसे ही फ़िशरीज के अंदर स्मॉल बोर्ड्स वाले फ़िशर्स बहुत ज़्यादा है स्मॉल एक्वाकल्चर एरिया वाले फ़िशर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर उनको भी इसी तरीके से प्रॉब्लम आती है क्रेडिट की एक्सेस में थीन फाइल क्लाइंट्स की तरह उन्हें देखा जाता है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपने मेंशन करना है कि वेसल्स की अपग्रेड के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रही है अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस किस तरीके से हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म सही नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग की मार्केट्स प्रॉपर नहीं।, तो नहीं है तो फिश ट्रेडिंग स्टिल फॉलोज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है लैंडिंग सेंटर्स और होलसेल मार्केट्स में अभी भी ओपन ऑक्शन मेथड चलता है वेइंग ग्रेडिंग है ना फिशिंग का किस तरीके से करना है किस तरीके से उसकी ग्रेड प्रॉपर करनी है एक्सपोर्ट क्वालिटी का कैसे बनाना है ऑल दो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है इंडिया से लेकिन अभी भी वो हाई वैल्यू चेन वाली चीज़ जो है वो मजा नहीं आ रहा है जिसकी दरकार होती है ज़रूरत होती है एक एक्सपोर्टर को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कई सारे इसको देखने को मिलते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर फिश हैंडलिंग होती है प्री प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्टेज पे पैकेजिंग स्टेज पे ट्रांसपोर्ट की स्टेज पे कोल्ड चेन फैसिलिटीज आप इसी में डाल दो है ना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कोल्ड चेन फैसिलिटीज की लैक की वजह से होता है क्योंकि फिश इंडस्ट्री जो है वो टोटल कोल्ड चेन का सिर्फ एक प्रतिशत यूज कर रही है जबकि और भी उसकी पोटेंशियल है रिटेल मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है अनहाइजीनिक है और ये स्मॉल रिटेलर्स और स्ट्रीट वेंडर से भरी हुई है इसको आपको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है ऑल्सो फिश प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है कई बार वो कंसर्न के लिए आ जाती है ख़ास तौर पर अगर वो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो जाती है तो ये इनकरेक्ट प्रोसीजर्स की वजह से कई बार बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो जाते हैं जो फिश स्टोरेज में लापरवाही की वजह से होते हैं और इससे पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए और भी कम ये मैनेजेबल होता है आप इस तरीके का एक फ्लो चार्ट यानी कि एक डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हो जिसमें यू विल पॉइंट आउट कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या क्या एडिशन्स आपको चाहिए अब आप ये डायग्राम अगर ना भी बनाओ तो भी चलेगा ये जस्ट मैंने आपको एक सिग्निफाई करने के लिए कि आप किस तरीके से इस डायग्राम को पोर्ट्रेट कर सकते हो जिसमें आपको जो आगे की पॉइंट्स होंगे ना फिर उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी खासतौर पे तब जब आपकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स की हो वैसे तो इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस वाला 250 में ही आएगा मोस्ट प्रॉब्ली लेकिन कई बार हम यूपीएससी पे विश्वास नहीं भी कर सकते हैं इस मामले में वो वेटेज के हिसाब से मतलब वो कम वेटेज दे के ज़्यादा वर्ड्स पूछ सकते हैं ज़्यादा वर्ड्स और ज़्यादा वेटेज दे के कम वर्ड्स वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कई बार ऐसा होता है दे एक्सपेक्ट यू टू बी रेडी फॉर दैट एनी anyway, हम बात करते हैं कि हमसे डिस्कस करना है सेक्टर के बारे में तो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए लेकिन अब हमें कैसे बताना है क्वेश्चन मेनली ये है कि कैसे फिचरी को हार्नेस करे ताकि वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके तो बहुत बड़ा आंसर का पार्ट इसमें आपका यहाँ पे आना चाहिए तो so, सबसे पहले हम क्या चीज़ें लेके आना चाहते हैं पॉलिसी पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आना चाहते हैं तो ब्लू इकोमी के लिए के चलते हमने ऑलरेडी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर दिया है लेकिन हर तरीके की पॉलिसी में आपको हर तरीके के स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो फिशरी सेक्टर के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं चाहे वो फ़िशरमैन खुद हों फिशरिंग फिशिंग कम्युनिटीज़ हो मार्केट जो कंडक्ट करते हैं फिशरीज़ की वो हैं बोट्स बनाने वाले जो हैं ठीक है जो वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटीज़ हैं ठीक है Uh, जो सी पे बाकी सारी अलाइड सेक्टर की कम्युनिटीज़ हैं इन जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो इनको लेंडिंग करते हैं जो एक्सटेंशन सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं जो एग्रीटेक टेक इंडस्ट्री और फिश टेक इंडस्ट्रीज़ हैं इन सभी को इंक्लूड करके एक पॉलिसी विजन बनाना पड़ेगा जिसमें सोशल इंक्लूजन इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड्स बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होना चाहिए अब जो भी आंसर लिखोगे ना उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिविटी ज़रूर डालना क्योंकि वो आपके सिलेबस का भी एक पार्ट होता है और आपकी जब इकोनॉमिक इकोनॉमिक आंसर लिखते हो या इकोनॉमिक आंसर लिखते हो उसमें अगर आप थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट ऐड कर देते हो तो इससे लगता है कि आपके विचारधारा में आपके आइडियाज़ में कुछ डिफरेंट है कुछ विविधता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं करोगे कि इकोनॉमिकली कैसे कोई चीज़ फ़ायदेमंद होगी आप सोशल इम्पैक्ट भी उसका बताओगे कैसे कोस्टल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड को इंप्रूव किया जाना चाहिए ठीक है तो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए फिशरी प्रोडक्शन फिशरीइेशन बनानी चाहिए जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आती है तो हम यहां पे कह रहे हैं कि एग्रीगेटिंग द फिशर्स फिशर्स इनटू एक्वा फार्मर और फिशर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस उनको बेटर इन्वेस्टमेंट देगा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा ये काफी कॉमन सेंस वाली बात है जैसे हम एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम फिश फार्मर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो तो फिशरीज के मल्टीपल सेगमेंट्स हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूरी है कि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल मरीन फिशरिंग और एक्वाकल्चरिंग प्रैक्टिस इस्तेमाल हो तो मरीन फिशरीज आपको पता है कि जो सी में के अंदर या ओशन के अंदर की जाती है और एक्वाकल्चर मतलब वो फ्रेश वाटर के कंट्रोल्ड एन्वायरमेंट के अंदर जो फिशरीज़ का कल्टिवेशन होता है और एक्वाकल्चर में एक्चुअली आप यू नो ब्रीडिंग करवाते हो स्पेशली मरीन फिशिंग में ज़्यादा ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है ऑल दो मेरी कल्चर जो आजकल पॉपुलर हो रहा है या केज कल्चर उसके अंदर आप सी के अंदर भी ब्रीडिंग करवा सकते हो तो मरीन फिशिंग के लिए नई नई चीज़ें हैं आप ये आंसर में चाहे ना भी इंक्लूड करो लेकिन ये पॉइंट जो हेडिंग का है वो ज़रूर लिखोगे तो मरीन फिशिंग में एडवांस डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और एक्वाकल्चर में भी हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का डिजीज सर्वेलेंस मैकेनिज्म को ज़्यादा स्ट्रेंदन करना चाहते हैं और लेस वाटर इंटेंसिव जो टेक्निक्स जैसे हम आर की बात की कम वाटर इंटेंसिव टेक्निक्स हम इस्तेमाल करनी चाहिए साथ ही साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए तो फिश सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल वैल्यू चेन प्लेयर्स एंड स्पेसिफिक इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक सप्लाई चेन के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इक्विपमेंट की ज़रूरत है एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सारा कुछ डिजिटाइज़ करने की ज़रूरत है कई बार हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल यहाँ पे एडवोकेट कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को इस चीज़ के अंदर लगा सकते हैं तो सिंस फिश प्रोसेसिंग इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हायर फ़ॉरेन एक्सचेंज भी ग्रो करके फिशरीज आपको दे सके और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम ध्यान में रखेंगे फाइनेंस का एक्सेस होना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग होनी चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए कलेक्टिवाइजेशन होनी चाहिए एंटीबायोटिक्स का कम इस्तेमाल होना चाहिए सारी चीज़ें जो है ना फैक्टर्स जितने ज़्यादा फैक्टर आप लिखते जाओगे आपका आंसर उसमें उतना ज़्यादा इंप्रेसिव होता जाएगा और इवेंचुअली हम फिशरी सेक्टर को यहाँ पे कहते हैं कि इस वजह से इसे सनराइज सेक्टर कहा जाता है और ऑलरेडी होने के साथ साथ अब हमारा वक्त आ गया है कि हम एक्सपोर्ट में इतने ज़्यादा ऊपर हैं अब हम वैल्यू में भी ऊपर जाएं सिर्फ वॉल्यूम में ऊपर ना जाएं न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन की इम्प्रूव करें फूड चेन का भी पार्ट फूड जो हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसका भी पार्ट फिश को बनाएँ क्योंकि कोस्टल कम्युनिटीज़ लाखों की तादाद में इसे कंज्यूम करती हैं तो ये चीज़ हमने ध्यान में रख के इसका आंसर को लिखना है दोस्तों तो एंड में नोट में नोट के तौर पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है जो आपके साथ आपको इसके साथ पीडीएफ अटैच मिलेगी कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अब ये जो है अगर तो आपके आंसर में कभी कहीं जगह मिल जाए छोटी सी तो आप उसमें ये मैंशन जरूर कर सकते हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ट्वेंटी मिलियन मीट्रिक टन अचीव करने की बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फिफ्टी फाइव लैक पीपल को देता है ये जो नंबर हैं ये आपके आंसर में अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको ये आपसे उससे ये पता लगता है कि आपने आंसर के अंदर जो है गवर्नमेंट इनिशियटिव को भी ध्यान में रखा है इस आंसर के अंदर पर्टिकुलरली शायद हमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इनको मेंशन करने की लेकिन अगर आप इस मौके का फायदा उठाओ ढाई सौ शब्द का आंसर है एक डब्बा बना दो दो पॉइंट लिख दो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में तो इट कैन हेल्प यू फेच अब बिट मोर मार्क्स बिकॉज इट विल शो दैट यू आर कंसर्न अबाउट वर्ट द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी ऑलरेडी डन चाहे वो आपसे एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा गया तो दोस्तों इसी तरीके से हम आंसर्स डिस्कस करते जाएंगे अगर आपने अपने आंसर्स को इवैल्यूएशन करवाना है मेरे साथ वीकली uh, डिस्कशन हर एक आंसर का कंडक्ट करवाना है तो आप हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अदरवाइज़ हमारा डेली प्रोग्राम तो चल ही रहा है उसे आप हाँ ज़रूर uh, हमें रिस्पॉन्स uh, देते रहें और हम आपके लिए ये लेकर प्रोग्राम आते रहेंगे थैंक यू